गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने अभी फंडामेंटल में नाउन खत्म किया है, अब हम स्टार्ट कर चुके हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में ऑलरेडी आपके पास चार वीडियो आ चुकी होंगी बेटा। अब इनके अलावा अब हम आज फिफ्थ वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ सर, आप फंडामेंटल बताने के साथ साथ आप थोड़ा डिटेल में निकल जा रहे हैं, तो मैं बेटा आपको बता दू जो बेसिक होता है ना उसको सिखाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब एक बार आप सीख जाएंगे, एक बार जब आप इस कंटेंट को सीख जाएंगे बेटा, तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत क्लियरली समझ में आएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आगे आपको वर्ब भी पढ़ाऊंगा। जैसे अभी प्रोनाउन के बाद अपना टॉपिक आएगा वर्ब। मैं वर्ब में ऐसा कोई भी पॉइंट या कोई भी एंगल नहीं छोड़ूंगा जो आपको समझ में ना आए। मतलब बोला जाए कि इतना जो हम कोर्स डिस्कस करेंगे, जो हमारा ग्रामर का कोर्स होगा, उसमें भी हम इतनी डिटेल या मतलब इतने स्लो नहीं चलेंगे। बाकी यहां पर मैं मतलब इन डिटेल आपको ज्यादा एग्जांपल देकर बार बार समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि हम अभी बना रहे हैं अपना फाउंडेशन। क्या बना रहे हैं अपना बेटा? फाउंडेशन बना रहे हैं। अब जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है ना, तो उसकी नींव बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, कि मैं बहुत ही बेसिक से छोटी छोटी चीजें, माइन्यूट चीजों को डिस्कस करते हुए चलता हूं। और याद रखना, जो मैंने फंडामेंटल के नाम से इसी चैनल के नीचे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इसी चैनल पर जो हमारा चैनल है परीक्षा प्रेप, इसी पर हमने बना रखी है, मैंने फंडामेंटल की एक अलग से बेटा प्लेलिस्ट बना रखी है। तो सीक्वेंस में देखो, सबसे पहले जाओ फर्स्ट वीडियो देखो, फिर उसके बाद दूसरी, फिर दूसरी। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस में ऐसा लगेगा कि अजीब टाइप का, क्योंकि उनमें क्या है कि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी या फिर मतलब शूटिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई। बाकी साउंड की प्रॉब्लम रही, जैसे लाइटिंग की प्रॉब्लम रही, शैडो आ रही थी, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे हम लोगों ने रिजॉल्व कर ली है। बाकी यहाँ पर आप जाइए फंडामेंटल्स की वीडियो देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, एक बार समझ में ना आए दूसरी बार देखिए, लेकिन देखिए बेटा, जैसे जैसे आप इनको देखते जाएंगे आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी, ये मेरा वादा है आपसे, चीजें जुड़ती जाएंगी। और जैसे जैसे जुड़ेंगी तो एक एक मतलब कहा जाए तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जैसे ही हमारा फंडामेंटल क्लियर होगा, आपको लैंग्वेज की कोई भी बुक उठाकर पढ़ लेना बेटा, तुम्हें समझ में आएगी कि ऑथर क्या समझाना चाह रहा है, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। तो चलिए ज्यादा बात करते नहीं है, हम आते हैं हमारा जो प्रोनाउन में आगे हमें डिस्कस करना था, आज हमें डिस्कस करना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या करना है बेटा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन डिस्कस करना है। तो यहां पर देखें, ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में दो होते हैं, सबसे पहले होता है हमारा ईच अदर और एक होता है हमारा वन एंड अनदर। जो ईच अदर होता है बेटा, ये फॉर टू, ये होता है फॉर टू, दो लोगों के लिए। और जो वन एंड अनदर होता है, ये होता है बेटा मोर देन टू के लिए। किन के लिए? मोर देन टू के लिए। अब जैसे यहां पर देखें तो रेसिप्रोकल का मतलब ही क्या है यह जान लो। रेसिप्रोकल का मतलब यह है कि जैसे हम मान लें ये दो व्यक्ति हैं, अब जैसे ये हो गए आपके गांधी जी, कौन हो गए? गांधी जी। ये हो गए आपके अंग्रेज, ये कौन हो गए आपके? अंग्रेज हो गए। अब अंग्रेज ने गांधी जी को मारा थप्पड़, क्या किया अंग्रेज ने गांधी जी को मारा थप्पड़, क्या गांधी जी लौट कर मारेंगे? नहीं, क्योंकि गांधी जी का कहना क्या था, अगर सामने वाला कोई आपको आपकी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप उसके सामने दूसरा गाल कर दो। आप ये तो गांधी जी का सिनेरियो था, अब इसको करो कैंसिल, इसको करो कैंसिल। अब आ गए आपके कौन? मुन्ना भाई, मुन्ना भाई एमबीबीएस, संजय दत्त। बापू बोला, क्या बोला बापू? कि अगर एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल करना, अगर ससुर दूसरे गाल पे मार दे तो कूट देना। तो यहां पर ये क्या करेगा, जैसे इनने इनको मारा तो फिर ये क्या करेंगे? रेसिप्रोकल, ये भी इनको क्या करेंगे? मार देंगे। ये भी क्या करेंगे? इनको मार देंगे। भाई साहब गांधी जी होते तो छोड़ देते, ये तो अपने मुन्ना भाई थे, सर्किट साथ में था ही, तो क्या किया? कूट दिया, अच्छे से कूट दिया। तो ये क्या है? रेसिप्रोकल। उनने हमें थप्पड़ मारा, हमने उनको लौट के मार दिया। रेसिप्रोकल का मतलब क्या? इनने इनको, तो इन्होंने लौट कर। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? रेसिप्रोकल का मतलब ही क्या है कि रिवर्स होना, इनने उनको और उनने इनको। क्लियर है बेटा? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आइए ये हम जान लेते हैं। ईच अदर जो होता है वो दो लोगों के लिए यूज होता है, जैसे दो लोगों के बीच में बात हुई, जैसे मेरी और आपकी, आप और मैं हैं अगर, तो
तो फिर हमारे लिए क्या होगा, ईच अदर। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे पढ़ा दिया, हाँ आप लोग हैं सक्षम, पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बन एन अदर हो गया, तो बन एन अदर मतलब क्या, बहुत सारे लोग ग्रुप में थे, उसने उसकी मदद की, उसने उसकी मदद की, उसने उसकी मदद की, तो ये आता है हमारा बन एन अदर में। क्लियर बेटा? तो यहां आओ, कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 3 क्वेश्चन, इनको डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, एक बार में ही समझ में आ जाता है, बस एग्जाम में ध्यान रखना। ये क्या होता है कि बन एन अदर की जगह ईच अदर लिख देता है और ईच अदर की जगह बन एन अदर होता है। ज्यादा इन जनरल एग्जामिनर अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो वो इनमें ज्यादा से ज्यादा जो उसकी पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन पूछने की, वो क्या करेगा, बन एन अदर की जगह ईच अदर रख देगा या ईच अदर की जगह बन एन अदर रख देगा। क्लियर है बेटा? यहाँ आ जाओ, जैसे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बोथ द टीम स्कोर्ड द गोल अगेंस्ट वन एन अदर। जैसे यहां पर हम देखें टीम कितनी है, आपको पता है जो बोथ यूज करते हैं हम वो फॉर टू के लिए यूज करते हैं। दो दो टीमें थी, एक दूसरे के खिलाफ उनने क्या किया, गोल स्कोर किया, मतलब टीम ए ने बी के खिलाफ गोल किया और टीम बी ने ए के खिलाफ गोल किया, तो ये क्या हुआ बेटा, रेसिप्रोकल। ये क्या हुआ, रेसिप्रोकल। यहां पर जैसे आपको समझ में आया ये क्या था, रेसिप्रोकल। तो यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर हमने यूज किया है बन एन अदर, क्या यूज किया है बेटा हमारा, अगेंस्ट। ये प्रपोजिशन होती है, ये क्या है हमारी प्रपोजिशन, और ये हमारे लिए होगा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं या तो प्रोनाउन हो सकते हैं। अभी नाउन है नहीं तो ये क्या होगा, प्रोनाउन, जो कि हमारे लिए बता रहा है बोथ द टीम, ये दोनों की दोनों टीम। अब यहां पर हम देखें तो जो हमारा बन एन अदर है, ये तो होता है मोर देन टू के लिए यूज, ये तो होता है हमारा मोर देन टू के लिए यूज, लेकिन यहां पर तो टीम तो हमारे पास दो ही है। अब इन जनरल कोई भी गेम अगर खेल रहे हो तो टीम कितनी होती है, दो ही होती है। क्या होती है, दो ही होगी ना, एक खेलने वाली टीम और एक उसकी अपोनेंट की, एक उसकी अपोनेंट होगी टीम। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऐसा तो नहीं होता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, सबके सब एक साथ खेल रहे एक ही ग्राउंड में तीन टीम, ऐसा थोड़ी ना होता, नहीं होता ना। तो यहां आ जाओ, अब ये तो तुम्हें पता है कि बन एन अदर हो चुका है गलत। अब अगर ये आपका हो गया है गलत, तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ईच अदर। क्या लिखना पड़ेगा बेटा, ईच अदर। क्या लिखोगे यहाँ, ईच अदर। क्यों लिखोगे ईच अदर, टीम तो दो ही थी, अब दो लोग तो क्या लिखना, ईच अदर। चलो आगे आ जाओ, यहां पर हम देखें, दे प्रेज्ड ईच अदर फॉर देयर सपोर्ट, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जैसे ये हो गया आपका वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, ईच अदर, दे प्रेज्ड ईच अदर, उनने एक दूसरे को प्रेज किया सपोर्ट के लिए। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, अब अगर यहां पर हमने दे यूज किया है तो इन जनरल इसकी मीनिंग क्या होगी, ये प्लुरल होंगे, दो हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन यहां आप देख रहे हैं फॉर देयर सपोर्ट, मतलब उनकी सपोर्ट के लिए, तो दो लोग तो नहीं होंगे, दो लोग होते तो हम उनको फिक्स कर लेते किनके साथ, ताकि हमें एम्बिग्यूटी ना आए, हम वहां पर बूथ लगा लेते, एंड लगा के दो लोगों को जोड़ लेते, कुछ भी कर लेते एक्स वाई जेड, लेकिन यहां पर एम्बिग्यूटी रह गई। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे बेटा, ईच अदर तो यूज नहीं कर पाओगे, दे प्रेज्ड ईच अदर फॉर देयर सपोर्ट, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, वन एंड अदर। क्या लिखेंगे, वन एंड अदर। किसी को क्वेश्चन होगा कि वन के साथ एन अदर क्यों आया, ईच के साथ अदर क्यों आया, देख लो, ऐसे अदर को तुम नाउन मान लो, अदर को तुम नाउन मान लो, तो वन के साथ एन और ईच के साथ अदर ही आएगा। तो यहां पर देखें हम, तो हमारे पास ये दो हो गए, वन एन अदर और ईच अदर। तो यहां पर आएगा क्या आपका, वन एन अदर। यहां पर आ जाए हम, सबसे पहले देखें लुक डेट हमारे लिए क्या हो गई, वर्ब हो गई, सरिता सब्जेक्ट हो गया, राधा भी सब्जेक्ट हो गया, दो सब्जेक्ट है, मतलब ये बोथ की बात हो रही है, बोथ मतलब कितने लोग हैं, दो लोग हैं, जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, राधा एंड सरिता लुक्ड एट ईच अदर इन द पॉन्ड। तो यहां पर ये देखो, ये सेंटेंस सही लिखा है या गलत लिखा है, सेंटेंस सही लिखा है या गलत लिखा, आपका आंसर क्या है, क्या लग रहा, देखो है तो दो ही लोग, अब अगर दो लोग हैं तो ईच अदर सही लिखा है या गलत लिखा, इन जनरल बेटा सही होना चाहिए, इन जनरल ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेकिन अच्छे से देखो,
अच्छे से सेंटेंस को पढ़ो वो क्या लिखा हुआ है। यहां पर देखो, यहां पर यह नहीं लिखा हुआ है कि राधा ने सरिता को देखा और सरिता ने राधा को देखा। यह लिखा होता तब तो सही था। यहां पर क्या लिखा हुआ है, राधा एंड सरिता लुक्ड एट ईच अदर। अगर इतना लिखा होता, अगर सेंटेंस इतना होता तो सही होता, राधा एंड सरिता लुक्ड एट ईच अदर। इसकी मीनिंग यह हो जाती, इसकी मीनिंग क्या हो जाती बेटा, राधा एंड सरिता ने, राधा ने सरिता को देखा, सरिता ने राधा को देखा, बात खत्म हो गई। लेकिन आगे भी कुछ कहानी है, आगे जो कहानी है वो क्या लिखा हुआ है, इंदी पॉन्ड। क्या लिखा हुआ है, इंदी पॉन्ड। छोटी छोटी चीज एक एक कॉमा से मीनिंग बदल जाती है बेटा लैंग्वेज में, तो यही तो इंग्लिश का मजा है। छोटी छोटी चीजें अगर हम जोड़ कर बेसिक बहुत अच्छा हो जाए हमारा तो मजा ही मजे। तो यहां पर देखो, इन द पॉन्ड राधा एंड सरिता लुक्ड एट ईच अदर इन द पॉन्ड। तो इन जनरल क्या है कि राधा ने सरिता को नहीं देखा, सरिता ने राधा को नहीं देखा, दोनों ने कंबाइन मिलकर, जैसे पॉन्ड जो होता है तालाब, पॉन्ड का मतलब क्या होता है तालाब। तो उनने क्या किया है कि राधा ये खड़ी थी, सरिता ये खड़ी थी, इनने इसमें देखा और इन्होंने इसमें देखा। तो इनको जो देखा वो क्या देखा, उनका रिफ्लेक्शन। क्या देखा उनको, रिफ्लेक्शन। रेसिप्रोकल नहीं हुआ बेटा, अगर इतनी बात समझ में आ गई है, इनने क्या देखा, रिफ्लेक्शन देखा, रेसिप्रोकल नहीं देखा। तो ये दिमाग से निकाल दो नियम कि दो लोग देखें तो लगा देना ईच अदर, और दो से ज्यादा देखें तो लगा देना वन अनदर। वो सही है बेटा, दो के लिए हम ईच अदर यूज करते हैं और दो से ज्यादा के लिए हम वन अनदर यूज करते हैं। लेकिन साथ में ये भी देख लेना कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेसिप्रोकल का ही यूज नहीं होना है। अब यहां पर देखो, यहां पर तुम रेसिप्रोकल यूज कर दो गलत हो गया, तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो आपका ईच अदर है हम इसको हटाएंगे, क्योंकि ये तो गलत लिखा है। राधा ने सरिता को देखा होता और सरिता ने राधा को देखा होता तब तो ये सही था, लेकिन ससुर यहां तो कहानी बदल गई। अब यहां पर कहानी जो बदली है वो क्या है कि आप अच्छे से देखेंगे कि राधा और सरिता ने दोनों ने कहां पर देखा है, तालाब में देखा है। अब तालाब में देखा है तो उनको देखा क्या होगा, उनका रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब देखा है तो यहां पर यूज करो रिफ्लेक्शन प्रोनाउन, क्या आएगा, अवरसेल्फ्स। सॉरी अवरसेल्फ नहीं आएगा बेटे, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं देमसेल्फ्स। क्या यूज करते हैं, देमसेल्फ्स, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। तो यहां पर हम देखें, राधा एंड सरिता लुक्ड एट देमसेल्फ इन द पॉन्ड। तो राधा एंड सरिता ने अपने आप को देखा, ना कि एक दूसरे को देखा। अगर इतना सेंटेंस होता तब सेंटेंस हमारा सही लिखा था। क्लियर है, बातें समझ में आई, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हमें कहां यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, और इसकी जो प्रैक्टिस होगी, कुछ क्वेश्चन होंगे, 5 या 10 क्वेश्चन। इन जनरल ये बहुत छोटा टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, बस इसमें यही दो कॉन्सेप्ट होते हैं, वन एंड अदर और ईच अदर। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज ही ना करना हो, हमें रिफ्लेक्शन यूज करना हो और हम वहां पर रेसिप्रोकल यूज कर रखे हो। ठीक है बेटा, तो आगे हम डिस्कस करते हैं, ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल, अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर है, जो भी है वो अपना लिख लीजिए, मैं स्क्रीन से निकल जाता हूं। क्लियर, आइए आगे डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन, जो कि हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहां पर आ जाइए। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, दिस दैट दीज दोज। क्या होते हैं, दिस दैट दीज दोज। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यह हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही क्या है, ये पॉइंट आउट करना। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, पॉइंट आउट करना, मतलब क्या, उंगली बताना या इशारे से बता देना कि यहां यहां या यहां। ठीक है, तो जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पॉइंट। वो कैसे होते हैं, वो पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं। इन जनरल अगर नहीं है जानकारी तो लिख लो, इनका जो हम यूज करते हैं वो चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं, इशारे या फिर हम उनको नोटिफाई कराने के लिए या हम उनको बताने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। जैसे मैं बोलूं यह पेन मेरा है, मैं बोलूं यह जो पेन है यह मेरा है, तो मुझे क्या बताना है, दिस इज माई पेन। यह पेन किसका है बेटा, ये मेरा है, तो मैंने क्या बोला, दिस। मैंने क्या बोला, यह है ना, यह मेरे पास है यह, तो मैंने क्या बोला, दिस। अगर मैं वहां दूर चला जाऊं और यहां पर पेन रखा हुआ है, मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, दूर, तो यही पेन मेरे लिए क्या हो जाएगा, दैट।
फिर मैं इससे क्या बोलूंगा, दैट, या मतलब वो उस कोने में टीवी लगी हुई है तो मैं क्या बोलूं, दैट इज टीवी, मैं क्या बोलूं, दैट इज टीवी। या फिर मैं बोलूं कि जैसे वो रखा, मेरा लैपटॉप ऑन रखा हुआ है, तो मैं वहां पर बोलूं दैट इज माय लैपटॉप। तो यही सारी चीजें जो है कि जैसे नियर ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम दिस यूज करेंगे, और जो फार ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। अब ये तो हो गए दिस और दैट हो गए। दिस और दैट जो हमारे यूज होते हैं वो सिंगुलर के लिए होते हैं। किन के लिए होते हैं बेटा? सिंगुलर के लिए और पॉइंट आउट कराने के लिए। फिर आते हैं हमारे दीज और दोज। क्या आते हैं हमारे? दीज और दोज। ये भी सेम होते हैं। दीज जैसे ये है, मेरे पास दो पेन है, ये प्लुरल हो गए, सिंगुलर से प्लुरल हो गए, काउंटिंग इनकी बढ़ गई, दो से मतलब एक से ज्यादा प्लुरल होते हैं। तो यहां पर देखें ये क्या हो गए मेरे लिए, दीज आर माई पेन, These are my pens. ये अब पेन किसके हैं? मेरे। मैं क्या बोलूं? These are my pens. और यही पेन अब मैं वहां चला जाऊं या वहां चला जाऊं और मैं यहां पर रख दूं, फिर मैं क्या बोलूं, पॉइंट आउट करके बोलूं, वहां पर कोई मेरे साथ और खड़ा हुआ है तो मैं बोलूं These are my pen या Those are my pen, तो मैं क्या बोलूं, Those are my pen। अगर डिस्टेंस दूर हो जाता है तो हम क्या यूज करते हैं, Those यूज करते हैं। ये तो हो गई बेटा स्पोकन की बात। ये क्या हो गई? ये हो गया हमारा स्पोकन का नॉलेज, जिस तरीके से हमारे टीचर जो हमें स्पोकन में सिखा देते हैं वो हो गया। तो यहां पर देखो ये सब बच्चों को पता होता है, जो नहीं पता होता है हम उसको डिस्कस करने के लिए अलग से ये फंडामेंटल की वीडियोस लाए हैं बेटा। जो पता है वो पता है, जो नहीं पता वो जानना है सबसे, मतलब लर्निंग की जो अगर बेसिक बात की जाए तो वो यही होती है, जो नहीं पता वो हम जान कर रहेंगे। क्लियर? यहां आ जाओ, दिस हम यूज करते हैं, दिस और दैट जो हमारे यूज होंगे वो सिंगुलर के लिए यूज होंगे, और दीज और दोज जो हम यूज करेंगे वो प्लुरल के लिए यूज करेंगे। क्लियर? दिस और दीज हम यूज करेंगे नियर के लिए, दिस और दीज हम यूज करेंगे नियर के लिए, और दैट और दोज यूज करेंगे हम फार के लिए। क्लियर है बेटा? तो दिस और दीज यूज किए जाएंगे नियर के लिए, दैट और दोज यूज किए जाएंगे फार के लिए। इतनी बात समझ में आ गई हो तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, चीजों को समझ लीजिए अच्छे से। जैसे यहाँ पर मैं बोलूं दिस इज माय शर्ट, ये अगर मेरी शर्ट है तो मैं क्या बोलूं, दिस इज माय शर्ट नॉट योर। तो मैं बोलूं दैट इज योर पेन नॉट माइन, ये तुम्हारा पेन है ये तुम अपना रखो। तो दैट, दीज आर माय कैटल, दीज आर माय कैटल। बेटा यहाँ पर कैटल्स क्यों नहीं लिखा? आप लोगों को पता होगा जैसे कुछ वर्ड हो गए, कैटल हो गया, पीपल हो गया, सिप हो गया, सीप हो गया, फिश हो गया, ऐसे जो वर्ड जो मतलब अपने आप में प्लुरल होते हैं, पोल्ट्री, जेंट्री, तो पीजेंट्री, ऐसे वर्ड जो ऑलरेडी हमेशा प्लुरल होते हैं लैंग्वेज में, ये वैसा वर्ड है। तो दीज आर माई कैटल, दीज आर माई कैटल। तो यहां पर ये क्या है, दीज आया, प्लुरल यूज किया। दोज आर हिज कार, दोज आर हिज कार, वो उसकी कार्स हैं। जैसे कहीं लगी हुई थी पार्किंग में, तुमने बता दिया कि वो जो वहां पर कार दिख रही है वो किसकी है, वो उसकी है। दोज हम यूज करते हैं फार डिस्टेंस के लिए। अब ये तो हो गया बेसिक ज्ञान जो सबको पता है, नया क्या है, कुछ नया बताओ। अब कुछ नया ये है, ये प्रोनाउन तो होते ही होते हैं, साथ में यह बेटा तुम्हारे होते हैं डिटरमाइनर। क्या होते हैं? यहां यहां ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ये साथ में होते हैं डिटरमाइनर्स। अब अगर ये होते हैं डिटरमाइनर्स, तो डिटरमाइनर्स की खासियत होती है, डिटरमाइनर्स की खासियत होती है कि डिटरमाइनर प्लस नाउन चाहिए ही चाहिए, यही स्ट्रक्चर बनेगा। डिटरमाइनर आएगा तो उसके पीछे नाउन चाहिए, तो इन्हीं को हम एज अ डिटरमाइनर भी यूज कर सकते हैं। इन्हीं सेंटेंस को चेंज कर लो, दिस शर्ट इज माई, कहानी बदल गई। कहानी कुछ नहीं बदली, बात सेम है, वो भी यही कह रहा है कि यह शर्ट मेरी है और यह भी यही कह रहा है कि यह शर्ट मेरी है, बस चीजें क्या बदल गई, यहां पर ये वर्ब था, ये सब्जेक्ट था, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट फॉर द वर्ब, ये पता होगी, इस वर्ब जो लिंकिंग वर्ब है। अगर नहीं पता तो बेटा यही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट दे रखी है मैंने, स्टार्टिंग से देखो वीडियो, ऐसे नहीं चलेगा बेटा काम, ये आ गए एकदम से और यही देखने लगे ना। अगर देख भी रहे हो, अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो स्टार्टिंग से देखो और बार बार देखो वीडियो उसको। पहले बता दे रहा हूं, कोई नहीं पढ़ाया है फाउंडेशन, कोई भी यूट्यूब पे अपना फंडामेंटल्स नहीं पढ़ाया है, कंप्लीट नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया बहुत है, स्टार्टिंग पे डाल दिए, पार्ट ऑफ स्पीच डाल दिए, ये डाल दिए, वो डाल दिए, इतना डिटेल में कोई नहीं जा रहा। अब कोई जा रहा है तो उसको ईमानदारी से फॉलो करो और पढ़ो, ठीक है। तो यहां पर देखें, दिस इज
माय सर, अगर ट्रस्ट करोगे तो मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा बेटा, डोंट वरी, मैं बेईमानी नहीं करूंगा। मतलब बेईमानी का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें नहीं करके, मैं तुम्हारे लिए टू द पॉइंट वाली बात करूंगा। जो काम का है वही पढ़ाऊंगा, जो काम का नहीं है वो नहीं पढ़ाऊंगा। और ये बेसिक ही जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहां पर बोला दिस इज माय सेट और दिस सेट इज माइन, दोनों में अंतर क्या है? मीनिंग दोनों की सेम है। अगर हम देखें मीनिंग, तो मीनिंग दोनों की सेम है, इसका भी वही मतलब है और इसका भी वही मतलब है। बस अंतर ये है कि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो शर्ट है, यहां पर सब्जेक्ट दिस था। तो दिस, देखो सब्जेक्ट की बात करें या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, तो यहां पर सब्जेक्ट प्रोनाउन है और यहां पर सब्जेक्ट नाउन है। फिर दिस का क्या रोल है? दिस यहां पर बेटा डिटरमाइनर है और किसके लिए लगा है? इस नाउन के लिए लगा है। बात आई समझ में या नहीं आई? बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही, हाँ या ना बोलो कमेंट बॉक्स में जाके। चलो यहां आ जाओ, आगे डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। दैट इज योर पेन, मैंने क्या बोला? दैट इज योर पेन, या फिर मैं इसी को बोल दूं दैट पेन इज योर, दैट पेन इज योर। अब यहां पर ये जो हम इसकी प्रीवियस वीडियो होगी वो देखी होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये माइन यहां पर क्यों आया और कैसे आया। ये भी प्रोनाउन होता है, योर डिटरमाइनर होता है और योर्स प्रोनाउन होता है, ये तो पता है ना? नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो देख लो बेटा, क्लियर है? अब मैं बार बार प्रीवियस वीडियोस का क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये लैंग्वेज है, इसमें सिक्वेंस में चलना पड़ेगा रिलेट करते हुए चीजों को। चलिए यहां आ जाओ, तो यहां पर ये नाउन, ये फिर अगेन डिटरमाइनर, बात आ रही है समझ में? ऐसे इनको भी चेंज कर लो, क्या बोल देना? दीज कैटल, दीज कैटल आर माइन, हाँ, और दोज कार्स आर हिज। हिज का हिज ही रहते हैं, ठीक है, चेंज नहीं होता, याद रखना। तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। ये हो गया एक और बेसिक की बात, जैसे हमने बोला कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ साथ ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स भी होते हैं। आगे आते हैं, उनके एक दो यूजेस और पढ़ते हैं ताकि हमें और अच्छे से जानने को मिले। क्लियर है? मैं इसको साफ कर रहा हूं, चलो आ जाओ। दी रामायण एंड दी महाभारत, एंड दी महाभारत आर दी ग्रेट एपिक ऑफ इंडिया, ग्रेट एपिक ऑफ इंडिया। That is the story of Pandava and this is the story of Ram versus Ravana. क्लियर बेटा? यहां पर आ जाए, ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, क्या लिख रखा है? रामायण एंड द महाभारत आर द ग्रेट एपिक, आर द ग्रेट एपिक्स, सॉरी एपिक्स कर लेना, आर द ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडिया। दैट इज द स्टोरी ऑफ पांडवा एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ रामायण, दिस इज द स्टोरी ऑफ राम एंड रावण। क्लियर बेटा? यहां पर जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको अच्छे से उतार लीजिए, जान लीजिए। अब हमें दिस दैट दीज दोज की जो कहानी है उनको और अच्छे से समझना है। तो यहां पर देखें द रामायण एंड द महाभारत, यहां पर हम बात कर रहे हैं रामायण और महाभारत की। तो देखो, अगर तुम्हारा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, मतलब तुम्हारा कॉमन सेंस या तुम्हें हिंदी माइथोलॉजीज की ये सारी चीजें पता है, जैसे क्या कि रामायण में जो स्टोरी है वो राम वर्सेस रावण है, ठीक है, और जो महाभारत है तो उसमें जो स्टोरी है वो स्टोरी किनकी है? पांडवास की है। तो यहां पर आ जाए, तो हम देखें यहां पर
तो राम रामायण एंड महाभारत आर दी ग्रेट एपिक ऑफ इंडिया यहाँ पर जो हमने दैट यूज किया है, अगर तुम्हें अच्छे से याद हो, ये जो हमने दैट यूज किया है, ये हमने किस नाउन को रिप्लेस किया है, दैट इज द स्टोरी ऑफ पांडवा, तो आपका क्या होगा, महाभारत, यही होगा ना, पांडवों की स्टोरी क्या थी, महाभारत ही थी, और दिस इज द स्टोरी ऑफ राम वर्सेस रावणा, तो यहां पर जो तुमने दिस यूज किया है, जैसे तुम्हें पता है राम वर्सेस रावणा जो स्टोरी है वो कहां की है, तुम्हारी रामायण की है, तो यहां से हम देखें, अगर यहां से देखें तो दैट से हमारे लिए सबसे पास क्या होगा, यहां से हम देखें इज द स्टोरी ऑफ पांडवा, तो यहां पर सबसे पहले क्या है हमारे पास, महाभारत, क्या है हमारे पास, महाभारत, पीछे से अगर हम देखें तो यहां से पास में हमारे लिए क्या है, महाभारत, अगर महाभारत है तो महाभारत के लिए दैट लिख रखे हो, ये हमारे लिए क्या है, नियत, और ये हमारे लिए क्या है, फार, अगर हम पीछे यूज कर रहे हैं तो यहां पर देखिए ये हमारे लिए नियर है और ये हमारे लिए फार है, अगर हम सिक्वेंस में चले और हम अब यहां से पीछे आने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए नियर होगा और ये हमारे लिए फार होगा, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं है, तो अच्छे से देख लो, ये हमारे लिए फार है, ये हमारे लिए नियर है, यहां से नहीं जा रहे हम पीछे से आ रहे हैं, याद रखना हमने जो यूज किए वो पीछे किए हुए हैं, तो यहां पर देखें तो नियरर ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या है, नियरर ऑब्जेक्ट हमारे लिए महाभारत है, नियरर ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या है, महाभारत है, लेकिन अगर तुमने दैट बोल दिया, अगर तुमने दैट यूज किया है और दैट जो हम यूज करते हैं वो फार ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, अब अगर तुमने फार ऑब्जेक्ट के लिए दैट यूज कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, रामायण, रामायण स्टोरी है कैसी, पांडवों की, और तुमने दिस यूज कर लिया तो दिस यूज हो गया तुम्हारे नियर के लिए, तो क्या हो गया, महाभारत, अब अगर यहां पर तुमने दिस यूज कर दिया ये महाभारत हो गया, तो महाभारत स्टोरी है किसकी, राम वर्सेस रावणा की, बात आई समझ में या नहीं आई, सही लिखा है या गलत लिख दिया, तुम गलत लिख दिए, तुम डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे थे कि वो जो स्टोरी है वो किनकी है, पांडवों की है, ये वाली स्टोरी जो है वो किनकी है, पांडवों की है, तो जो वो स्टोरी है जो दूर वाली है वो किनकी है, हमारी, राम वर्सेस रावणा की, तो अब अगर ऐसा करना था तो तुम कर बैठे गलत बेटा, अब अगर तुमने कर दिया गलत करो, सही सही करोगे तो इसकी जगह क्या लिखोगे, दिस, और इसकी जगह क्या लिखोगे, दैट, तो बस बेटा फिजिकल वर्ल्ड में के लिए पास या दूर के लिए यूज नहीं करते दिस और दैट का, स्पोकन वाले टीचर अपने रूल नियम वाले टीचर यही बता देते हैं, पास वाले के लिए दिस, दूर वाले के लिए दैट, अबे भैया ये भी तो बता दो कि अगर सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट लिखें तो उनका जो भी जो हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के साथ उसमें भी हम दिस और दैट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर जैसे अगर आपको दिस यार और दैट का यूज करना हो तो बेटा नियर वन के लिए दिस यूज करना और फार वन के लिए दैट यूज करना, क्लियर है, अब फार इनकी पोजिशन के हिसाब से, जैसे यहां से हम देखें तो यहां से हमारे लिए पास कौन सा पड़ेगा, महाभारत, यहां से देखें तो हमारे लिए दूर कौन सा पड़ेगा, रामायण, तो क्लियर है बेटा, इस तरीके से हमें यूज करना है, तो हमने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारी ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हो, दिस और दैट और दीज और दोज भी हम आगे यूज कर सकते हैं, तो आज के लिए बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।